नमस्ते, आप दिल ललन टॉप देख रहे हैं, मैं हूं प्रशांत। खबर पर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी जी यूपी की यात्रा पर हैं, आपसे मुखातिब होंगे, लाइव आएंगे, व्लॉग्स और भी बहुत कुछ, लेकिन नए पते पर, और पता है ललन टॉप यूपी। तो फटाफट सब्सक्राइब करिए ललन टॉप यूपी और पूछिए क्या हाल है यूपी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है कर्नाटक से। चिकमंगलूर कर्नाटक का फेमस हिल स्टेशन है। यहाँ एक वीडियो ट्विटर पर काफी सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो देखिए, इसके बारे में फिर बताते हैं। इस वीडियो में जो व्यक्ति गले में कैमरा टांगे दिख रहे हैं वो हैं डीवी गिरीश, जाने माने वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं। जंगल और जंगली जानवरों को लेकर वो लगातार विसल ब्लोअर का काम करते रहे हैं, उनके मुद्दे उठाते रहे हैं। हाल में डीवी गिरीश के साथ वीडियो में दिख रही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। इंडिया टुडे के रिपोर्टर नागार्जुन की खबर के मुताबिक सोमवार 30 अगस्त को डीवी गिरीश और उनकी टीम चिकमंगलूर में थी। ये लोग जिप्सी से कहीं जा रहे थे, रास्ते में कुछ युवक बैठे थे जिन्होंने कथित तौर पर शराब पी रखी थी। खबर के मुताबिक इन युवकों ने गिरीश की टीम से महिला से भद्दे कमेंट्स किए। इस पर गिरीश और उनके साथियों ने इन युवकों को टोका तो उन्होंने गिरीश और उनके बाकी साथियों के साथ काफी मारपीट की। वीडियो में ये सब साफ दिख रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट से एक बात भी सामने आ रही है कि पहले युवकों ने कमेंट्स पास किए तो गिरीश की टीम के कुछ साथियों ने जिप्सी से उतरकर इन लोगों को हड़काया। गिरीश और उनके साथी जिप्सी में बैठकर आगे बढ़ गए। बाद में स्थानीय युवक और भी साथियों को लेकर आए, जिप्सी को रोका और मारपीट की। रिपोर्टर नागार्जुन के मुताबिक फिलहाल इस घटना को लेकर चिकमंगलूर में मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो के आधार पर युवकों को ढूंढा जा रहा है। घटना को लेकर लोग सोशल मीडिया पर खासे नाराज नजर आए। सैयद मोइज नाम के ट्विटर यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, ये कमाल का भारत, कमाल की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और कमाल की न्यायपालिका उन्हें बल दे देगी। राघवन नाम के यूजर इतने नाराज दिखे कि यहाँ तक बोल गए, ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, ये समाज क्या से क्या हो गया है, इन बदमाशों को लटका देना चाहिए। वहीं सपन कुमार सिंह ने कर्नाटक के सीएम कार्यालय और डीजीपी को टैग करते हुए तंज किया, इससे वाकई में राज्य की पॉजिटिव छवि बनेगी, शर्म आती है, कुछ बेवकूफों की वजह से पूरे राज्य को शर्मसार होना पड़ेगा। जान लीजिए कौन है डीवी गिरीश। डीवी गिरीश चिकमंगलूर के ही रहने वाले हैं। वो दो दशक से भी ज्यादा समय से जंगल के लिए, जंगली जानवरों के लिए काम करते आ रहे हैं। खास तौर पर बाघों के संरक्षण में डीवी गिरीश ने काफी काम किया है। इस विषय से जुड़े तमाम स्टडीज और कैंपेन का हिस्सा गिरीश रह चुके हैं, इसलिए अधिकतर मौकों पर टाइगर एक्टिविस्ट के तौर पर ही उनका परिचय आता है। 2013 में उन्हें रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की तरफ से प्रोटेक्ट द टाइगर अवार्ड भी मिला था। 2001 में कर्नाटक के भद्रा टाइगर रिजर्व का मामला काफी सुर्खियों पर था। यहाँ की आबादी और जानवरों दोनों को एक दूसरे का डर लग रहा था। दूसरी तरफ बारिश के मौसम में यह हिस्सा बाकी मुख्य शहर से पूरी तरह कट जाता है। ऐसे में वहाँ पर्यावरण के लिए काम करने वाले तमाम लोगों ने मिलकर कैंपेन चला था ताकि भद्रा टाइगर रिजर्व के आसपास के लोगों को कहीं और बसाया ना जा सके। ये कैंपेन सफल रहा था और इसकी अगुवाई करने वाले डीवी गिरीश ही थे। खास बात ये थी कि यहाँ से करीब 450 परिवारों को हटाकर दूसरी जगह बसाया गया था। डीवी गिरीश आज उन परिवारों के संपर्क में हैं और उनसे अच्छे संवाद भी बरकरार रखे हैं। इस मुहिम के बाद गिरीश ने लगातार जंगलों जानवरों का काम किया है। ये खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। मैं हूँ प्रशांत, देखते रहिएगा द ललन टॉप। शुक्रिया।